केंद्र की मोदी सरकार जहां 2022 तक किसानों की आय को दोगुने करने का दम भरती है, तो वहीं आजकल प्रदेश के किसान भी पीले रतुए की मार झेलने को मजबूर हैं। नैना देवी से स्वारघाट भाखड़ा क्षेत्र तक कई ऐसी पंचायतें हैं जहां गेहूं की फसल को पीले रतुए की नजर लग गई है, जिससे न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है बल्कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की भी चिंता सताने लगी है। की मोदी सरकार जहां 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का दम भरती है, तो वहीं आजकल प्रदेश के किसान पीले रतुए की मार झेलने को मजबूर हैं। जी हां, नैना देवी से स्वारघाट भाखड़ा क्षेत्र तक कई ऐसी पंचायतें हैं जहां गेहूं की फसल को पीले रतुए की नजर लग गई है, जिससे न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है बल्कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण की भी चिंता सताने लगी है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि बीते दिनों हुई भारी बारिश और फिर कोहरे की सीधी मार उनकी गेहूं की फसल पर पड़ी है, जिसके चलते उनकी फसल पर जगह जगह पीला रेशा चढ़ गया है, जबकि उन्होंने दवाई का छिड़काव भी किया था। अपनी फसल पर पीले रतुओं को देख अब स्थानीय किसान प्रदेश सरकार से फसल के नुकसान की एवज में अनुदान राशि दी जाने की अपील करने लगे हैं। वहीं बीडीसी सदस्य ओपी चौहान का कहना है कि पीले रतुए की मार कई पंचायत के किसानों की फसल पर पड़ी है, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी तो दूर जीवन यापन तक करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की अपील की है। वहीं पीले रतुए की समस्या के संबंध में जब कृषि विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक कुलदीप पटियाल से पूछा गया, तो उन्होंने माना कि बारिश पर कोहरे का सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ा है और कई पंचायतों में पीले रतुए की शिकायतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने पीले रतुए से निपटने के लिए पूरे जिला में विभाग द्वारा विकास खंड से लेकर ग्रामीण इलाकों ने खोले गए कार्यालयों में 434 लीटर प्रोपिकाना जोल दवाई उपलब्ध करवाने की बात करते हुए प्रत्येक 2-3 वर्षों में गेहूं के किस्म को बदलकर खेती करने और दवाई का छिड़काव करने की अपील किसानों से की है, ताकि पीले रतुए से उनकी फसल बच सके। इस वर्ष फसल को, गेहूं की फसल को पीले रतुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है, जिसकी वजह से कणकों के खेतों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, रंग पीला फिर गया और ज्यादा बारिश हुई, मॉइस्चर ज़्यादा हुआ और कोहरा ज़्यादा पड़ा, जिसकी वजह से जमीन गीली रहने की वजह से पीले रतुओं ने और ज़्यादा असर किया। और वैसे तो गांव नकराणा के अनेक जमींदारों की फसलें तबाह हो गई हैं और बाकी जो बची हुई हैं उनमें भी पीले रतुओं का प्रभाव बहुत हो रहा है। और विशेषकर ये जो बेल्ट है भाखड़ा से लेकर जगातकाना की तरफ तक, ये नैना देवी की पहाड़ी के झील की तरफ की जो साइड है, यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत नकराणा के गांव नकराणा, कलरी, ओएल, चलैला, इनमें बहुत नुकसान है। इसके अलावा साथ लगती पंचायतों में मैंने देखा कि उनमें भी इसका प्रभाव है, बुरा प्रभाव है। अब सरकार को चाहिए इसके बचाव के लिए प्रबंध करे, लोगों को एजुकेट करे और लोगों की जो नुकसान है उसके लिए अनुदान का प्रबंध करे, और ताकि कृषि करने की लोगों में दिलचस्पी बनी रहे। ग्राम पंचायत नकराणा में गेहूं की फसल को पीले रतुए की बीमारी द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसलें किसानों की बर्बाद हो गई हैं। और किसानों द्वारा इनमें दवाई का छिड़काव भी किया गया, परंतु उसके बावजूद भी कोई इसका विचार नहीं हुआ। इसलिए सरकार से अनुरोध किया जाता है कि किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।